हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्पार्क स्टेनोग्राफर। जैसा कि हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ एक और न्यू अपडेट जो कि है दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड। आज हमारा टॉपिक होगा दिल्ली हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2018-19। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा बताया मैंने, अपना टॉपिक दिल्ली हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2018-19, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर बात करूं इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी वो होंगी आपकी 60 वैकेंसीज। क्लियर, तो वैकेंसीज कम है बट कंपटीशन ज़्यादा है। अब बात करते हैं इसमें पोस्ट की, जो आपकी पोस्ट होगी वो कौन सी है। पोस्ट है बेसिकली आपकी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट टेक्निकल ग्रुप सी की। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट है। अगर बात इसमें स्टार्टिंग डेट की, जो डेट होगी अप्लाई करने की वो है 4th July 2019 एंड लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन इज 23rd January 2019। तो आप 4 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2019 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पे स्केल, इन सब के बारे में देखते हुए अगर बात करूं, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसा मैंने बताया 60 है, इसमें अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखूं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, वो है आपका जनरल में है 32, ओबीसी 16, एससी 8, एसटी 4। क्लियर, और एज लिमिट देखते हैं। इसमें जो आपकी एज लिमिट देखने को मिलेगी वो जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 18 और मैक्सिमम है 27, तो 18-17 आपकी एज लिमिट है। एज कैलकुलेशन होगा 1st January 2018। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट है पे स्केल। जो पे स्केल है इसमें आपका 5th लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ 7th CPC। क्लियर, इसमें आपका 5th लेवल का होगा पे स्केल। अब बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें आपका BCA / BSc कंप्यूटर साइंस और BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस और BTech कंप्यूटर साइंस और MCA MSc कंप्यूटर साइंस, MTech कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। क्लियर, अंडर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। Only such candidate who possess essential qualification as on the date they can apply or submit the application. Clear? अब बात करते हैं इसमें आगे selection process। जो आपका selection process है उसमें आपके दो parts हैं, part A and part B। First part में है general intelligence जो कि 10 marks की है, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स, इंग्लिश 15, कंप्यूटर साइंस 30। क्लियर, ये आपका पार्ट ए है और इसका जो ड्यूरेशन है वो है 75 मिनट। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट बी, वो है इंटरव्यू और वो कैरी करता है आपका 25 मार्क्स का। क्लियर, जो रिटन टेस्ट है वो आपका बेसिकली इंग्लिश मीडियम है,
और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि है 25%, क्लियर, 1/4। ओके, आते हैं अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स विल बी ऑफ 40 मार्क्स आउट ऑफ 75। जनरल कैटेगरी के 40 मार्क्स होने चाहिए 75 में से इन रिटर्न, एंड 15 मार्क्स आउट ऑफ 25 इन इंटरव्यू, क्लियर। तो जो आपका ये टोटल हो गया है 75 प्लस 2500, और 100 में से आप स्कोर कर रहे हैं 55 मार्क्स। आगे नेक्स्ट रिलैक्सेशन है, आपको 5 मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी जो कि आपके पीएच है, फिजिकली हैंडीकेप एंड एक्स सर्विसमैन। आगे है कैंडिडेट इन द मिनिमम मार्क्स ऑफ रिटर्न टेस्ट दैट इज 35 इंस्टेड ऑफ 45 मार्क्स का आपका रिलैक्सेशन मिला है आपको, और 5% रिलैक्सेशन इन आपका इंटरव्यू। तो देयर शैल बी नो राउंडिंग ऑफ ऑफ मार्क्स। आगे बात करते हैं इसमें एग्जामिनेशन फी स्ट्रक्चर की, जो कि जनरल ओबीसी उनकी फी है 300 रुपीज प्लस बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल, और शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी, शेड्यूल ट्राइब ऑफ यूपी उनकी एग्जामिनेशन फीस है 150 रुपीज प्लस बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस, क्लियर। और बाकी इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप देख सकते हैं जैसा कि नोटिफिकेशन में गिवन है आपको, और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट है आपकी www.delhihighcourt.nic.in। यहाँ से जाके आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो भी सर्टिफिकेट वगैरह जो मंगाए जाते हैं वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की नोटिफिकेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, और बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।